अप्रैल माह में नवी मुंबई और औरंगाबाद इन दो महत्वपूर्ण मनपा चुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा की गई है, जिसके अनुसार 22 अप्रैल के दिन वोटिंग और 23 अप्रैल के दिन काउंटिंग होने वाली है। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित यह कार्यक्रम अब बदलने की मांग राजनीतिक पार्टियों द्वारा हो रही है, क्योंकि इस दौरान खत्म हो रही स्कूली परीक्षाओं के कारण अपने गाँव की ओर जाने का सिलसिला मतदाताओं में शुरू हो जाता है, जिसका सीधा असर वोटिंग के प्रतिशत पर होने की आशंका सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों में बनी हुई है, जहां अब इसमें बदलाव लाने की मांग राजनीतिक पार्टियां करने लगी है। खरतर बुधवार आहे, म्हणजे तो सुट्टीचा वार नाही आहे, कामाचा दिवस आहे। नक्कीच इथे जे नव्या मुंबईचे स्थानिक रहिवासी जे आहेत आणि जे कामगार आहे, जे इथे ठाणा इंडस्ट्री असेल किंवा मुंबईला जाणारे असतील किंवा अन्य ठिकाणी जाणार असतील, त्यांनी शासनाने निवडणूक आयोगाने किमान अशा नव्या मुंबईतल्या मतदारांना किमान एक दिवसाची सुट्टी द्यावी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रह चुकी थी, जहां बड़े पैमाने पर युवाओं ने वोट डालने के कारण राजनीतिक बदलाव होने की सच्चाई सामने आई, जिसे फिर एक बार दोहराकर आने वाले मनपा चुनाव में भी राजनीतिक बदलाव लाने की उम्मीद पार्टियों के उम्मीदवारों में बनी हुई है। लेकिन वोटिंग का दिन कामकाज का होने की वजह से युवा मतदाता वोटिंग बूथ पर जाएंगे कि नहीं, इस बारे में ही संदेह का माहौल पैदा हो गया है। 22 तारीख डिक्लेयर की है, ये गलत हुआ है, क्योंकि अभी सभी बच्चों की छुट्टियां हो रही है, पेरेंट्स लोग बाहर जा रहे हैं, और इससे एक जो वोटिंग लिस्ट आई है अभी वो पूरी बोगस आई है। इसी के साथ इस दौरान शादियों का शुभ मुहूर्त जैसे वजहों से भी वोटिंग प्रतिशत में गिरावट होने की चिंता अब उभर कर सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज भगत के साथ योगेश पाटिल, इनकी रिपोर्ट।